बताइए सुमित जी। देवांशु, लास्ट वीक 10 की कमाई में हमने सनफार्मा दिया था और सनफार्मा वहां से वन वे तेजी दिखा रहा है और हमने 400 तक के टारगेट दिए थे और आज 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत बढ़िया मूव मिला है सनफार्मा में 2 से 3 दिनों के अंदर। तो जिन्होंने लिया था वो अपना पोजिशन ट्रेलिंग स्टॉपलॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं क्योंकि फार्मा स्टॉक्स अभी भी मजबूत लगते हैं। अच्छा, आज का जो 10 की कमाई में स्टॉक आ रहा है नजर में वो मेटल स्पेस का है और मेटल स्पेस में ऐसा लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। पिछले 7 से 9 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है, मोस्ट ऑफ दी कैंडल्स डोजी टाइप कैंडल बनी है और आज जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है जिसके अंदर जो कल का यानी लास्ट प्रीवियस सेशन का जो हाई था 148 उसके ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड कर रहा है। तो आज अगर 148 के ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील पे क्लोजिंग आ जाती है तो ये सबसे पहला संकेत होगा जिसके अंदर यहां से एक अच्छा बाउंस बैक और पुल बैक जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकता है। तो 145 से लेकर 150 के बीच में जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग पोजीशंस बनाए, नीचे में 135 का रहेगा इसके अंदर स्टॉप लॉस और ऊपर में मेरे को लगता है कि इस पुल बैक इस बाउंस बैक में जेएसडब्ल्यू स्टील 170 का पहला मूव दिखा सकता है और 170 का लेवल टूटने के बाद और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद 190 से 200 रुपए तक के स्तर आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ दिनों में यहां से 170 का टारगेट यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का 190 से 200 का टारगेट होगा जेएसडब्ल्यू स्टील में और 10 की कमाई के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है आने वाले दिनों के लिए। तो इसको सीएमपी या सीएमपी से कोई भी डिप आते हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और अनिल जी ने आज सुबह कहा भी था कि अगर तेजी आएगी तो मेटल्स, फार्मा और बैंक्स में आएगी और उसमें आप देखें मेटल्स में अच्छी तेजी बनती हुई